सो गाइस, जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि हम आज कहीं पे जाने वाले हैं, तो ये हैं वो अंकल जी जो कि हैं हमारे FPO के हेड, तो इनके थ्रू ही ये सारा काम हो रहा है। तो जहाँ से हमने कल आमले लिए के आगे बढ़ते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो जल्दी जल्दी से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ये जो गेहूँ जी जो पीछे जो गेहूँ लगा रखी है, ये सोना मोती है, सोना मोती, और आप सबको मिलवाएंगे जो इस काम की पूरी जड़ है, मीन्स कि हमारा FPO। आज हम वहीं पे जा रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे यहाँ पे कंपनी बनी हुई है इंदौरा में, तो आज आप सबको वही दिखाएंगे। तो मैं, मेरी बहन और मेरे पापा जी जा रहे हैं, तो मिलते हैं सीधा आपको वहीं पे। कैसे हो आप सब? सो गाइस, जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि हम आज कहीं पे जाने वाले हैं, तो ये हैं वो अंकल जी जो कि हैं हमारे FPO के हेड, तो इनके थ्रू ही ये सारा काम हो रहा है। तो जहाँ से हमने कल आंवले लिए थे, उन्हीं का ये बाग है, और यहाँ से ही आंवले आए थे, और वही आगे काम चल रहा है। तो सब जानकारी आज हम इनसे लेंगे। इन्होंने डिफरेंट वराइटीज़ हर चीज़ लगाई अपने इस बाग में, तो आज इनसे ही जानते हैं इस पूरे बाग की सच्चाई। और चलो देखते हैं साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई एम कर्नल रवि पठानिया। मैं इस में इस खेती में, प्राकृतिक खेती में पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ। मैं इस पूरे बगीचे में पिछले 5 साल से कोई यूरिया नहीं, कोई डाया नहीं इस्तेमाल किया है। अच्छा, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर जोर दिया है। जैसे कि आप देखें उधर गायें भी हैं, देसी गायें रखी हुई हैं, और मेरे यहाँ पर हर तरह के प्लांट्स रूट लगे हुए हैं। कोई भी आपके पूछेंगे तो यहाँ मैंने ट्रायल बेसिस पे भी लगाए थे, बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन किन्नू और संतरा इतना ठीक नहीं चला, तो उसको निकाल दिया। उसकी जगह मैं आम और आंवला, नींबू और अवाकाडो, ये भी ट्राई किया, आपको दिखाऊंगा अवाकाडो का। साथ साथ में मैंने दालचीनी और लौंग के पेड़ भी लगाए हैं, वो भी सक्सेसफुल हैं। अगले साल वो भी बढ़ा दूंगा। जैसे आप देखेंगे ये सामने वाला जो पेड़ है, ये रुद्राक्ष का है, ये वाला रुद्राक्ष का पेड़। या हम इसके आगे बढ़ते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो जल्दी जल्दी से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने बंसी गेहूँ लगाई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसमें भी न्यूट्रिशंस होते हैं, और आगे भी सब्जियां वगैरह लगाई हैं, और ये संतरे सब नेचुरल फार्मिंग से ये जो है तैयार किया हुआ है, यहाँ पे कोई केमिकल नहीं डलता यहाँ पे। और ये रहे आंवले के पेड़, ये जो थोड़ा प्लॉट है ये ट्राई किया है अपने गांव में, छोटी सी जगह में हर तरह की सब्जी लगा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो बट बनी है, इसमें आलू लगे हैं, ठीक है। आलू के साथ बीच में धनिया है, बीच में चने की लाइन भी लगा रखी है, बैंगन भी चल रहे हैं, और आगे आप देखें उसमें सौंफ है, मिट्टी सौंफ, कड़वी सौंफ, और साथ साथ में किनारे पे मटर भी लगा रखे हैं। उस तरफ शलगम, मूलियाँ, और उसके बाद पालक, उधर पालक भी है, और ये आपके इधर सामने इधर लहसुन, और बीच में लहसुन, प्याज, क्योलियाँ, ये जो क्योलियाँ लगा रखी हैं बीच बीच में हैं उधर, वो जो सफ़ेद फूल लग रहे हैं, ये लाइन जो है क्योलियों की लगा रखी है। कहने का मतलब कि छोटी सी जगह में मिक्स वेजिटेबल लगा के आप आराम से इस सीज़न की जो सब्जियाँ आराम से खा सकते हैं। हाँ जी, मतलब अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक ही जगह में छोटा में मिक्स लगा दिया है, एंड एवरीथिंग इज डूइंग वेरी वेल। बीच में धनिया भी है, मेथी भी है, कसूरी मेथी भी है, उधर गोभी भी लगा रखी है उधर। तो मतलब ये मैं जो फेंसिंग लगा रखी है, ये मुर्गियों को बचाने के लिए लगा रखी है, लेकिन फिर भी तो अगली बार मैंने ये ट्रायल तौर पे किया था, अगली बारी इसको थोड़ा मैंने बढ़ा देना है। और यहाँ पर पहले इस खेत में पूरे गुआवा थे, अमरूद थे 80 पेड़, वो निकलवा दिए क्योंकि मार्केट नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए वो लगा के उसकी जगह में मैंने ये मल्लिका आम लगा दिए हैं। बीच में गलगल भी हैं, अगर आप नीचे और देखें, बीच में नीचे मेरे प्लांट में मिक्स फ्रूटिंग है। बीच में आम, सबसे पहले आम है, आम के बाद बीच में एक लाइन माल्टा की है, साइडों में प्लम है,
और मरिंगा प्लांट, ये यहाँ सिर्फ मरिंगा प्लांट में है। यहाँ मैंने अवाकाडो ट्राई किया था, अच्छा चल रहा है, तो अगले साल मैं अवाकाडो भी बढ़ा दूंगा। ऊपर मैंने दो ट्राई किए थे पेड़, दालचीनी के और लौंग के। लौंग सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए ह्यूमिडिटी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, तो उसको करने के लिए मैंने पाइप सिस्टम लगाया, शायद लौंग भी चल पड़े। लेकिन दालचीनी बड़ी अच्छी चली है। हींग लगाया था, 3 साल तक चला, उसके बाद कोहरा बहुत गिरता है यहाँ पर, तो इस इलाके में हींग वाला पेड़ सक्सेसफुल नहीं हुआ। बाकी नींबू के पेड़ हैं, 500-600 के करीब हैं। मैंने यहाँ पर क्या नाम है, अनार लगाए थे, बहुत अच्छा अनार चला, लेकिन यहाँ इस मौसम में अनार टिके नहीं, तो इसलिए मैंने अनार भी निकाल दिए। प्लम, एप्रिकॉट, सॉरी ये अपना पीचेस, ये बहुत अच्छी चल रही हैं और उसको मैंने बढ़ावा दे दिया। एप्पल भी लगाए थे, पिछले साल एक एप्पल लगा था। पीछे अगर आप उस तरफ देखें तो उसमें वहाँ पर नेपियर घास है, ये जो कि 14 साल रहता है। अब ये जो गेहूँ, नीचे पीछे जो गेहूँ लगा रखी है, ये सोना मोती है, सोना मोती गेहूँ। और आगे उसके साथ बंसी गेहूँ है, एक गेहूँ और है वैरायटी, लंबे लंबे दाना है, मेरे नाम याद नहीं है उसका, वो भी लगा रखी है। अभी नीचे जौ लगाए हैं। तो इस पूरे बगीचे में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का यहाँ मुर्गे भी हैं, भेड़ भी है, मछली तालाब भी है, मतलब सब कुछ आपको मिलेगा। भेड़ू भी रखे हुए हैं, मछली तालाब भी ये ऊपर है। तो ये आप देख लें, पूरा आमले, इतने ज़्यादा आमले हुए कि अभी तो उसने जो ठेकेदार ने लिए तोड़े नहीं, तो हमने खुद तोड़ने पड़ रहे हैं। जब मेरे को जरूरत पड़ती है, जैसे स्प्रिंकलर लगाए थे तो स्प्रिंकलर के लिए मोटर चलाते हैं, अभी कल ही चलाया था स्प्रिंकलर, तो गेहूँ को पानी भी मिल जाता है। मतलब इस चीज़, मतलब एवरी थिंग इज हेयर एट वन प्लेस। सो दिस इज हाउ आई एम डूइंग दिस प्राकृतिक खेती प्लस लुकिंग आफ्टर दी FPO एज ए प्रेजिडेंट। तो होपफुली वी आर गेटिंग मोर पीपल टू गेट अटैच विद अस, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम साथ जोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ मटेरियल हम सप्लाई करेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिले और हमारी विमेन जो पावर है उसको थोड़ा शक्ति मिले और सोर्स ऑफ इनकम बढ़े। थोड़ा सा FPO के बारे में एक्सप्लोर कर दो कि किस तरह से लोग जुड़ सकते हैं इसके साथ। FPO जो है फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विचार है वो पूरे देश में 10,000 FPOs बनाने हैं, जिसमें से कि 10 हिमाचल प्रदेश में दिए गए हैं। उसमें एक FPO हमारे ब्लॉक में, इंदौरा ब्लॉक में है, जिसकी कि जो संभाल है, देखभाल मैं ही कर रहा हूँ। इसमें यह है कि किसानों के उत्पाद को डायरेक्टली खरीदना और FPO के थ्रू भेजना, ताकि बीच के बिचौलिए ना रहें और किसान को उसकी मेहनत का फल अच्छा मिले, किसान का उत्पाद ताकि हम डायरेक्ट लें और उनको बेचें और उनको बाकी सहूलियत, टेक्निकल गाइडेंस, इंस्ट्रूमेंट, या जो भी एग्रीकल्चर कोई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व करना है, उनको फर्टिलाइज़र जो भी जरूरत पड़ती है देनी है। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती की ओर ज़्यादा झुकाव लगाएं। जैसे अभी जो गेहूँ की फसलें हैं, हम 4-5 वैराइटीज़ लगा रहे हैं, बंसी हो गई, सोना मोती हो गई, काली गेहूँ भी लगा रहे हैं, काला धान भी लगाया है, ताकि हम जो पुराने बैक टू बेसिक कंसेप्ट में आए, ताकि जो पुराने ज़माने में हमारे जो उत्पाद होते थे उन्हीं को बढ़ावा दिया जाए, ताकि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है इंसान के लिए अच्छी रहे। और दूसरा, जब प्राकृतिक खेती के, इसलिए कि रसायन मुक्त है, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही हैं आजकल दुनिया को वो नहीं आएंगी। तो इससे साथ हम लोग प्राकृतिक खेती किसानों को मदद देने के लिए FPO बना है, और ताकि, और इसमें फ़ायदा ये है कि हर किसान को 2,000 रुपये जमा करा के उसको जो कैश सर्टिफिकेट है वो 4,000 का मिलेगा, तो गारंटिड है, कोई इसमें हेरा फेरी नहीं कर सकता है, ऑडिट होगा, सारी कुछ इसकी कंट्रोल रहेगा, और उसको जब ज़रूरत पड़े तो वो अपना मेंबरशिप ले सकता है, उसके 2,000 वापस मिल जाएंगे। ये गारंटी है कि उसका पैसा कोई मार नहीं सकता है, और जो उसके जो प्रॉफिट जो कंपनी बाद में उठाएगी वो शेयर्स के हिसाब से, वो 4,000 के हिसाब से उसको शेयर मिलेंगे और उनको उसका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन उनके डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा। सो एक तो किसान के लिए अच्छा, उसको जैसे अभी हमने चावल उठाए हैं, धान उठाए हैं, तो मार्केट रेट से हमने ज़्यादा उठाए हैं ताकि किसान को फ़ायदा मिले, और उसको हम प्रोसेसिंग करके मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, शीघ्र ही हो जाएगा, 1-2 हफ्ते के अंदर हमारा मार्केट में प्रोडक्ट चली जाएगी।
जिसमें कि हम आमला का प्रोडक्ट दे रहे हैं और धान की वेरियस जो अनपॉलिश राइस दे रहे हैं, देन केमिकल फ्री राइस जिसमें कि रसायन मुक्त राइस होंगे, और कुछ दूसरे किसानों के जिन्होंने अभी तक प्राकृतिक खेती में नहीं आए हैं उनका भी हम उत्पाद उठा रहे हैं ताकि उसको भी हम बेच सकें। तो ये आप सबको भी FPO से जुड़ना चाहिए और रोज़गार भी मिल रहा है और साथ में आप सबको इससे जुड़ने के फ़ायदे भी काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग FPO से जुड़े, और इसके बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए होगी तो हमें ज़रूर बताना, हम इससे भी ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करके बताएंगे। तो चलो अभी थोड़ा बाग बगीचा घूम लेते हैं। तो अंकल जी ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना, हम फिर से अच्छे से एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरी जानकारी देंगे। तो चलो फिलहाल बाग बगीचा घूम लेते हैं। थैंक यू। नहीं मिलेगा तो भाई बाग बगीचे का थोड़ा बहुत मजे उठाने से। और देखिए कितना बड़ा ऑरेंज मिल गया, ग्रीनरी है, ऑरेंज है, अच्छा देख लो। तो यहाँ पे अंकल जी ने ये रखी है साहिवाल। यार ये तो मुझे शत्रुमुर्ग की तरह क्यों दिख रहा है, ये साहिवाल गायें रखी हुई है उन्होंने, शत्रुमुर्ग की तरह मुर्गी है। ये जो है ये गोबर इकट्ठा करके इसमें पानी मिक्स करके इस टैंक में आ जाता है, और इस टैंक में अंदर 40 दिन पुराना है, इसमें अंदर जो भी है 40 दिन के बाद जो सिलरी जो नीचे गोबर डालते हैं वो नीचे बैठ जाता है, जो ऊपर वाला तैयार होके उसमें आ जाता है, और उसके बाद जो ओवरफ्लो है वो उसमें चले आता है, और वहाँ मैं पानी मिक्स करके नीचे पंप लगा रखा है और उसके बाद खेतों में डाल देता हूँ सिलरी और गैस। सिलरी गैर मैं इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा सिलरी, हाँ तो ये खेतों में डालते हैं, डायरेक्ट खेतों में चलती है। तो गोबर की ये सिलरी बनाई हुई उन्होंने, और ये जो है लिक्विड जो है सीधा खेतों में जाता है, जिससे खाद आप तैयार करते हो अच्छे से खेतों में देते हैं। साहिवाल गाय की, साहिवाल देसी गाय जो है जीवाणु काफी ज्यादा जीवाणु होते हैं, काफी ज्यादा उपयोगी होता है। ये तैयार करता हूं सर जीवामृत, पानी में मिक्स करके फिल्टर करके वो नीचे जो ट्रॉली देखी है उसमें टैंकियां भर के पंप लगा रखा है स्प्रे करने के लिए। ठीक है, तो जीवामृत को मैकेनिकली जो कर देते हैं। जीवामृत है ये हमारी SPNF का ही 5 घटक होते हैं, जीवामृत बीजामृत, तो उनमें से ये एक है, तो इसे भी अच्छे से अपने खेतों में स्प्रे कर देते हैं। ये तो बड़ी क्यूट लग रही है, साहिवाल बच्ची है ना, बच्चू, ये बेडू, बेडू नहीं ये जर्सी वाला है। अच्छा बेडू बच्चू साहिवाल का है, बच्चू रखा है मैंने यहाँ पर। अच्छा ये वाला साहिवाल का बच्चू है, और यहाँ पे कितने सारे नींबू लगे हुए हैं, ये नींबू के पेड़ अंकल जी ने लगाए हुए हैं, और यहाँ पे आप दिखाएंगे आपको, हमने अंकल जी ने बनाया एक छोटा सा तालाब जिसमें इन्होंने मछली पालन का भी काम किया हुआ है। तो इसके ऊपर मुर्गियाँ रखी जाती हैं, जो मुर्गियों की ड्रॉपिंग होती है वो मछलियाँ खा जाती हैं, तो मछली का भी थोड़ा सफाई करनी है, पानी चेंज करके इसमें पानी भरना, मच्छी काफ़ी अच्छी है, इसमें 2-2 किलो की मच्छी होगी, अभी तो नजर नहीं आएगी, इसमें अभी वो थोड़ा चारा फेंकेंगे तो ऊपर आ जाएगी। तो काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया हुआ है यहाँ पे अंकल जी ने, पानी डायरेक्ट आता है और इसी पानी को हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सबसे न्यूट्रिशियस होता है ये। हेलो मुर्गी जी, हे इतनी शर्मा रही है हमसे। तो भाई अभी हमने खाना वगैरह अच्छे से खा लिया है, तो अब हम अंकल जी के बाग में थोड़ी बहुत देखते हैं, अंकल जी वहाँ पे गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं पापा जी के साथ, तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं। तो इन्होंने बरसीन भी लगाई हुई है, और देखो भाई लाइन लगी हुई है यहाँ पे आमलों की, और उस साइड लगी हुई है लाइन, ये देखो ड्रिप सिस्टम भी किया हुआ है इन्होंने, जब ये चक्री घूमेगी तो पानी अच्छे से पूरी कनक को लग जाएगा। और आगे संतरे हैं अभी लगाया इन्होंने छोटे यही है। अब हम इंदौरा पे पहुंच चुके हैं, हम वापस आ चुके हैं, और अभी हम बाइक राइड करेंगे, वो भी शाम वाली ठंड वाली और मस्त राइड होने वाली है। सर्दियों में कभी इस टाइम पे जूस ट्राई किया है तो आज हम वही पीने वाले हैं, क्योंकि हमें गर्म चीज़ें यू नो पचती नहीं है, तो बस आज हम वही पीने वाले हैं और इसके बाद हम घर जाएंगे। तो इसलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते हैं आपको सीधा कल उसी काम के साथ।